A very sweet morning to all of you. It is your English grammar class. Today we are going to discuss chapter 18. Chapter name is Simple Future Tense. Means जैसे हिंदी में भविष्यकाल भी कहते हैं. Now let's start the chapter. Simple Future Tense represents the time of future. Simple Future Tense represent करता है जो time है future में, means भविष्य में. In other words, use the simple future tense to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Simple future tense में हम एक action की बात करते हैं, एक condition की बात करते हैं जो कि शुरू होती है और end होती है, होगी भविष्य में. Now, read the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं जिसको हम read करेंगे और जानेंगे. First, Ram will reach the station. Second, the baker will bake the cake. First का meaning है, हिंदी meaning है, राम स्टेशन पर पहुँचेगा, बेकर केक को बेक करेगा, बनाएगा. Third, I will like to play football. And four, I shall give you my pen. मैं तुम्हें अपना pen दूंगा. Now we use will plus first form of verb to make simple future tense. हम जब simple future tense बनाते हैं तब उसमें will का use करते हैं और verb की first form ही आती है. We use shall to make an offer or suggestion. हम shall का use करते हैं जब कोई offer हो या कोई suggestion हो, कोई सलाह हो, तब हम shall का use करेंगे. Now I will explain the exercise of this chapter. Complete the following sentences with simple future tense. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करके लिखना है. फर्स्ट, द टीचर विल टीच अस दिस लेसन. सेकंड, आई शैल गिव यू माय नोटबुक. थर्ड, द इलेक्ट्रिशियन विल रिपेयर द टीवी. फोर्थ, द बॉयज विल प्ले द क्रिकेट मैच. फिफ्थ, फादर विल बाय द फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट. बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस. इन यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, मीन्स बदलना है. फर्स्ट, माई पेरेंट्स गिफ्ट्स मी पॉकेट मनी. यहाँ पर जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको चेंज करेंगे तो बिल का यूज़ करेंगे. माई पेरेंट्स सब्जेक्ट के बाद हम बिल को लगाएंगे. माई पेरेंट्स सब्जेक्ट मीन्स करता. माई पेरेंट्स विल गिव मी पॉकेट मनी. सेकेंड, द चिल्ड्रन will play in the park. Third, the principal will declares the holiday. I shall open the door and we shall give you our notebook. इसमें subject means करता plus will या shall लगाएंगे plus verb की first form then object. Now see, write five sentences using simple future tense. Five sentences लिखनी है आपको simple future tense का use करके, वो आप अपने से भी लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं. फर्स्ट, ही विल गो टू स्कूल. सेकंड, द बॉयज विल प्ले द मैच. थर्ड, दे विल विन द मैच. फोर्थ, इट विल रेन टुडे. एंड फिफ्थ, रोहन विल कम टुडे. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड लर्न रूल्स ऑल्सो. थैंक यू.